रन बनाए हैं, 34 बनाए हैं 3 ओवर में और 35 की जरूरत है। और मैं कहूंगा ये बड़ा लक्ष्य है श्री गणेश पिंग यहाँ पर खैरवाड़ी टीम के सामने। तो श्री गणेश खैरवाड़ी टीम के स्वयं कैप्टन अब मैदान पर उतरते हुए, खिलाड़ियों का नाम पिछले इनिंग में जिन्होंने विकेट के लिए रखा था, और अब हर एक सिक्सर और एक चौके के लिए 101 रुपये का इनाम तैयार। स्ट्राइकर इन पर बल्लेबाज का नाम दिनेश और नॉन स्ट्राइक इन पर अक्षय। अब गेंदबाजी मार्ग पर एक नए उभरते युवा उदयमान खिलाड़ी तैयार, गेंदबाज का नाम भावेश। ये रही पहली गेंद इस मेगा फाइनल के दूसरे इनिंग की, 18 गेंदे और 35 रनों की जरूरत। हेलो, बोला 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 शान जी बोला। सर तुमचं नाव काय, तुमचं नाव काय? सर तुम्हाला काय वाटते आता तुम्ही 3 दिवस झाले इथे कॉमेंट्री करताय? अच्छी गेंद टर्न के साथ नीचे रही और कोई रन नहीं। अच्छी शुरुआत यहां पर गेंदबाजी करने वाले भावेश द्वारा। सर प्रशांत जी, सर तुम्ही आता 2 दिवस झाले तुम्ही इथे आता कॉमेंट्री करताय, तुम्हाला कसं वाटतंय हे नियोजन कसं वाटतंय रोहा ग्रामीण असोसिएशनचं? रोहा ग्रामीण असोसिएशन का ये नियोजन, ये देखिए ये नियोजन इस चौके की तरह है, अच्छा दिल को खूबसूरत भाने वाला पहला चौका दीजिए। धन्यवाद। अपना खाता खोला है दिनेश ने 4 रन के साथ, 5:13 हुए हैं। आज 7:30 बजे रात के पहली गेंद गिरी थी और कल 8:17 पर पहली गेंद गिरी थी, लेकिन कल एक मुकाबला कम था और इसी वजह से हमें 5:45 बजे हमारा नियोजन समाप्त हो चुका था। नियोजन काफ़ी बढ़िया है, कुछ कमी नहीं है नियोजन में और बहुत ही अच्छी तरीके से जल्दी शुरुआत हो चुकी है इस प्रतियोगिता की। ओप्पो कैमरा फोन इस 4 रन के प्रायोजक थे ओप्पो, इस 4 रन के साथ स्कोर 4 पर और व्यक्तिगत 4 रन पर खेल रहे हैं दिनेश। तैयार भावेश की अगली गेंद, ओवर पिच डिलीवरी, हवा में खेलने की है गलती और आराम के साथ ये कैच को पकड़ा मिड विकेट पर, कैच आउट होते हुए दिनेश डीजे। थैंक यू। अंपायर से हेलो, साला फील्डिंग लाउन गया लगे सनेगाव 11, साला सनेगाव 11 धाव संख्या पुढे सरकते, 4 धावा आणि कडी बाद होतोय पहिला, तो म्हणजे दिनेशच्या स्वरूपात। दिनेश एक लंबा ऊंचा स्ट्रोक खेळले की गलती कर बैठे। प्रशांत जी बोलिए, क्या कहेंगे इस गलती के बारे में? हॅलो उमेश सर, तुम्हाला काय वाटतं या मॅच बद्दल, फायनलच्या टुर्नामेंटमध्ये कोण जिंकेल कोण हारेल काय सांगू शकता?
दोन्ही संघ हे तुल्यबळ आहेत, ज्याचा गेम चांगला होईल तो जिंकेल. तरी पण 100% काही सांगू शकता का तुमच्या म्हणजे अनुभवप्रमाणे काही सांगू शकता का? नाईट टुर्नामेंट हे पहिल्यांदा झाले, या टुर्नामेंटमध्ये काय सांगू शकता तुमच्या? नक्कीच बा, आयोजन तर खूपच चांगलं आहे आणि मॅच बोलला तर तुम्ही माझा अंदाज खैरवाडी जिंकेल. खैरवाडी जिंकेल, थोडा माझा पण अनुभव वाटतंय का सानेगाव जिंकेल. पण 100% कोणाकडे कोण जिंकेल हा सांगू शकत नाही, हार जीत आहे. तो यहाँ पर गलती कर बैठे और गलती का खामियाजा भुगतना पड़ा. 4 रन के साथ स्कोर अब आगे बढ़ता हुआ 8 पर. ये देखिए अब ये मैच हाथ से निकलता हुआ सानेगांव के 4 रन. बोल बा बोबडी तर सगळ्यांची बोलते, कारण की नाईट टुर्नामेंट आपण पहिल्यांदाच खेळलो, कारण की माझ्यापेक्षा तुम्हाला जास्त अनुभव आहे नाईट टुर्नामेंटचा. तर तुम्ही या टुर्नामेंट नंतर काय सांगू शकता? तरी पण तुम्हाला सांगतो आय नो अँड दिस फाइंड यू द नाईट टुर्नामेंट फर्स्ट आरजीबीएल टुर्नामेंट. प्रशांत सर तुम्ही काय सांगू शकता नाईट टुर्नामेंट बद्दल? कारण की तुम्ही जर आमच्यापेक्षा जास्त अनुभवलेले आहोत. दिस नाईट टुर्नामेंट फर्स्ट आरजीपीएल रॉ ग्रामीण असोसिएशनचे पहिल्यांदा इथं टुर्नामेंट झालेले आहे. बड़ा यहाँ पर 3 चौकों के बाद लगभग 35 का करना था पीछा, 12 पर तो पहुंच चुके हैं लगातार 3, मैं कहूंगा खराब गेंदे और थर्ड मैन पर दूसरा चौका नहीं इस बार शॉट. थर्ड मैन पर फील्डर तैनात, रन आउट का मौका, लेकिन ये मौका अब हकीकत बनता हुआ रन आउट के रूप में मैदान से बाहर जाते हुए खैरवाड़ी के बल्लेबाज टीजे. बारह रन स्कोर बोर्ड पर, 35 का करना है पीछा, यानी कि और ओवर समाप्त. 12 रन स्कोर बोर्ड पर, यानी कि अब 30 रनों की और जरूरत. गेंदे है 12 और 30 रनों की और जरूरत. 12 गेंदे 30 रनों की जरूरत है. पहले ओवर में 12 रन आए हैं लगातार, 3 जो बड़े स्ट्रोक आए थे, एक पर चौका जरूर आया था, लेकिन दो मैं कहूंगा थर्ड मैन पर जो बाउंड्री आई है उसके वजह से सानेगांव टीम थोड़ी सी बैकफुट पर, लेकिन श्री गणेश खैरवाड़ी टीम अब अग्रेसर होती हुई. नए बल्लेबाज मैदान पर उतरते हुए दिनेश स्ट्राइकर एंड पर, और नॉन स्ट्राइक एंड पर आकाश, अक्षय का छोटा भाई आकाश, और स्ट्राइकर एंड पर अब गेंदबाज राहुल. बारा चेंडू 23 धावांची गरज, 12 चेंडू 23 धावा, 23 धावा 12 चेंडू, 12 गेंदे और 23 रनों की जरूरत. याचना नहीं अब रन होगा, जंग बड़ा भीषण होगा. ओहो हो, विकेट गिरता हुआ, विकेटों के पीछे शानदार कैच बाबू द्वारा. डीजे यहाँ पर विकेट गिरता हुआ, नए बल्लेबाज मैदान पर जब तक आते हैं तब तक हम देखते हैं स्कोर 12 पर. अब गेंदे बची है 11 और जीतने के लिए 30 रनों की जरूरत. 11 चेंडू 23 धावा,
बल्लेबाजी पर सूरज, एक सूरज आसमान में अब उदयमान होगा थोड़ी देर 7 बजे से, लेकिन अब सूरज को अपना बल्ला घुमाना होगा। राहुल की अगली गेंद, राइट आर्म राउंड विकेट, आउटसाइड ऑफ स्टंप रखने का प्रयास बिल्कुल सफल होते हुए कैरिडोर में गेंदबाजी कर रहे हैं और इसी वजह से बल्लेबाज खेलने में परेशानी हो रही, बल्लेबाज का फुटवर्क फंसता हुआ पूरा, फुटवर्क फंसना यही जरूरी, अंपायर के ऊपर ज़्यादा आप दबाव न ले, आप लेग स्टंप पर खेल रहे हैं ये आपको ध्यान में रखना होगा। बल्लेबाजी करने वाले सूरज को हवा में गेंद मारने का प्रयास, कार्पेट के सहारे से ऑन ड्राइव किया था, एक रन स्कोरबोर्ड पर और स्कोर अब एक से आगे बढ़ता हुआ 13 रनों पर, 5:21 हो चुके हैं घड़ी में। घर जाने से पहले ऐसा लग रहा है कि कुर्सियों पर ही आधा घंटा सो ले तभी बाइक चला पाएंगे। ये देखिए क्रीड़ा संकुल धाटाव, रोहा ग्रामीण एसोसिएशन और पूरे टीमों के ओर से सहयोगी ये क्रीड़ा महोत्सव, 2 दिन, प्रथम क्रमांक 50,51,000, द्वितीय क्रमांक 31,000 और तृतीय और चतुर्थ नंबर 10,000। दिनेश ऑन स्ट्राइक एंड, ओहो हो बहुत ही बढ़िया स्टैंड एंड डिलीवर, 6 रन। ये तगड़ा कड़क शॉट 6 रन के लिए मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 100 रुपए का इनाम अनिल दादा पाटिल इनकी ओर से। अच्छी वापसी सानेगांव के इस खिलाड़ियों द्वारा, सानेगांव 11 बनाम हम देख सकते हैं कि श्री गणेश खैरवाड़ी, अब 7 गेंदे 16 रन, 7 चेंडू 16 धावा। आउट, LBW आउट, अंपायर से ज्यादा आप आर्ग्यूमेंट ना करें। फील्डिंग लाउन गया, थैंक यू। 19 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं, जीतने के लिए अब 6 गेंदे और 16 रनों की जरूरत। अब बल्लेबाजी के लिए उतरते हुए महेश सावंत, 6 गेंदे 16 रन, 7 चेंडू 16 धावांची गरज। गोलंदाजी मार्क वर येतो तो म्हणजे कौशल्य, काहीतरी कौशल्य दाखवावं लागेल। शेवटचा फायनलचा सामना आहे, हा षटक निर्धारित करेल की कोण 50,000 चषक उंचावेल। बॅटिंगमध्ये त्यांनी स्वतः वैयक्तिक 16 धावा जमवलेल्या आहेत आणि आता त्याला 16 धावा थांबवायच्या आहेत। याच्यावर दुखा लागले का? कौशल चला फिल्डिंग लावून घ्या, 5:30 वाजलेले आहेत। कौशल राईट आर्म ओवर द विकेट, पहिला चेंडू, सुंदर चेंडू, गुड लेंथ स्पॉटर टिप्पा घेतोय, चेंडू सरळ यष्टीरक्षकाच्या हातात, आता 5 चेंडू 16 धावा।
नो बॉल, वन प्लस वन प्लस फ्री हिट, दोन धावा धावफलकावर वाढत आहेत. आता पाच चेंडू, 14 धावांची गरज. पाच चेंडू आणि आता 14 धावांची गरज. षटकार डीजे. आठ धावांची गरज. थँक्यू डीजे. थँक्यू डीजे. चार चेंडू, आठ धावा. डीजे आता वाजव. चार चेंडू, आठ धावा. तिचे रोमांचक सामना आपण पाहतोय. सानेगाव विरुद्ध खैरवाडी. प्रथम फलंदाजी करताना तीन विकेट गेलेले आहेत, मात्र सानेगावच्या जास्त विकेट गेलेले आहेत. सानेगाव संघाच्या कमी गेलेल्या आहेत आणि आपण बघतोय खैरवाडी संघाच्या जास्त विकेट गेलेल्या आहेत. त्यामुळे आता ज्या धावा बनवायच्या आहेत त्या कंपल्सरी. चार बॉल आठ ना, चार बॉल आठ. आता मला तीन चेंडू, आठ धावांची गरज. षटकाराने फलंदाजीने करणाऱ्या या फलंदाजाने नक्कीच वापस आणलं होतं त्यांच्या संघाला, मात्र चांगली गोलंदाजी करतोय, परत एकदा कम बॅक करतोय. आत्मविश्वास दाखवतोय गोलंदाज आपल्या या मनगटावर. काय तापवणार आता, छाती गेली, त्याला बोलू दिला नाही तुम्ही, सगळे तीन मॅचेस सलग केले ना आता. चांगली गोलंदाजी, जबरदस्त गोलंदाजी आणि दोन्ही बाजूने टाळ्यांचा कडकडाट होताना पाहतोय आपण. एका बाजूला सानेगाव तर दुसऱ्या बाजूला खैरवाडी, हे दोन संघ आपण पाहतोय. कोण उचलणार हा झळाळता चषक ज्याच्यावर नाव कोरेल, आणि आजची रात्र आणि आजचा दिवस त्यांना नेहमीच लक्षात राहील. 51,000 रुपयाची रोख पारितोषिक आणि भव्य दिव्य चषक आपण पाहतोय. आता चेंडू शिल्लक आहेत दोन चेंडू, आठ धावा. दो गेंदे, आठ रन. टू बॉल्स, एट रन्स नीडेड फॉर विन. अब यहां पे अपने फॉलो थ्रू में कैच नहीं लिया, दो रन लिए हैं. आता एक चेंडू आणि सहा धावांची गरज. वन बॉल एक षटकार. बघूया काय होतोय क्रिस गेल, काय होतोय जावेद मियादात, काय होते वीरेंद्र सहवाग. एक चेंडू, सहा धावांची गरज. डीजे लाव रे. डीजे आता काय ताप टिक टिक वाजते डोक्यात, धडधड वाढते ठोक्यात. अतिशय चांगली स्पर्धा, प्रत्येक सामना रोमहर्षक झाला आणि त्याच्याही पेक्षा सर्वोत्तम फायनल. फायनल कशी असावी तर फायनल असावी अशी एक चेंडू कंपल्सरी षटकार. सोळा धावा जमवल्या होत्या कौशलने, त्या सोळा धावा त्याला वाचवाव्या लागतील. पाच चेंडूमध्ये त्याने 10 धावा दिलेल्या आहेत. आता एक चेंडू, सहा धावा. माईक ऑफ. नयन जोशी लाईव्ह ही मॅच पाहत असताना, रमेश मात्रे ही सुद्धा लाईव्ह मॅच पाहत असताना. माईक ऑफ. वाईट चेंडू येते. आता एक चेंडू, पाच धावांची गरज. मोठा फटक्या
धावा आता बघतोय धावफलकावर 30 कंपल्सरी 5 म्हणून मगाशी मी सांगितलं की कंपल्सरी 6 धकधक फडवणारा हा सामना काळजाचं ठोकं चुकवणारा हा सामना चौकार गेला तरी नाणेफेक आणि आपण बघणार आहोत बॉल आउट याच्यावर विकेटवर